मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वरुण दुबे। और गजब का मूव भारतीय बाजारों में देखने मिल रहा है। लगातार भारतीय बाजारों में अगर आप देखें तो तेजी देखने मिल रही है। और इनफैक्ट लगातार ये छठवां ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? और देखिए कैसे वो 10,891 जो क्लोज दिया था हमने, मेरे ख्याल से नहीं, हाँ 3 अगस्त के आसपास ये क्लोज दिया था। उसके बाद 11,100 के ऊपर क्लोजिंग हुई, फिर 11,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई, फिर 11,100 के ऊपर क्लोजिंग हुई, फिर 11,200 के ऊपर क्लोजिंग हुई। और आज देखिए 11,300 के ऊपर की क्लोजिंग जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिली। और बहुत अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना की दवा रशिया ने फाइनली रजिस्टर कर दी है। हालांकि देखिए ये तो सबको पता था कि 10 या 12 तारीख को वो लोग कोरोना की दवा रजिस्टर करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से कहा था कि हम ये दवा को रजिस्टर करेंगे। ऑलमोस्ट हम आखिरी फेज़ में हैं, हमें दवाई मिल गई है। तो नो डाउट कैसे ट्रायल किए, उन्होंने क्या किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसके ऊपर आप चाहिए तो पूरे दिन बैठ कर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट दवा रजिस्टर कर दी है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप देखेंगे कि यूरोप में मार्केट में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिलती। इनफैक्ट एशियन मार्केट में भी आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती। मेरे ख्याल से शंघाई एक मार्केट था जिसमें लाल निशान में कारोबार हो रहा था, इसके अलावा जो लाल निशान में बंद हुआ है 1.25% के आसपास, तो अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी एशियन मार्केट्स हैं ना वहाँ भी अच्छी खासी क्लोजिंग ही देखने मिली। तो ग्लोबल अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है इंडियन मार्केट्स को। इसके लिए आज हमने देखा कि हरे निशान में क्लोजिंग हुई। हालांकि ये बात सही है कि ऊपरी स्तर से भारतीय बाजार आज थोड़े हल्के हुए हैं। 11,373 के आसपास हम गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वैसे भी है, इसके आसपास जाके वहाँ से हमने फिर से एक यू टर्न ले लिया है। लेकिन एक बात अच्छी है कि 11,300 के ऊपर जाके हम क्लोजिंग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्विक्शन जो है इसके चलते बढ़ जाता है। हालांकि अब काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि आगे क्या होता है दवाई को लेके, यू नो कितना कॉन्फिडेंस ग्लोबली आता है, क्योंकि ये अब ये होगा ना कि ग्लोबली अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना लोगों में तो वो आपको इंडियन मार्केट्स में भी देखने मिलेगा। नो डाउट इंडियन मार्केट्स चल चुके हैं, लेकिन याद रखिए 12,000 के लेवल से हम गिरे थे। तो आज देखना होगा कि US के मार्केट्स कैसे इसको ट्रीट करते हैं, इस रशिया के दवाई के रजिस्ट्रेशन को, और आगे कैसा प्रोग्रेस होता है। अगर आगे प्रोग्रेस अच्छा रहा और ग्लोबली मार्केट्स चले तो ये तो आप समझ लीजिए 11,500 तो बिल्कुल दूर नहीं है, बस टच एंड गो वाली सिचुएशन हो गई है, बहुत जल्द हम वहाँ पहुँचेंगे। हो सकता है अगर दवाई मिल गई पुख्ता हो गया तो 12,000 का लेवल भी कहीं नहीं है। तो काफ़ी बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन देखने मिल रहा है, काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ फ्लोज है। हालांकि बेहतर न्यूज़ फ्लो के बाद एक मुनाफा वसूली होनी थी और वही हमने देखा। इसके लिए हमने देखा कि मिड कैप इंडेक्स में करीब करीब 50.7 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली, लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए 325 पॉइंट के आसपास का उछाल। तो कहीं ना कहीं अब ट्रैक्शन वहीं आएगा जहां सबसे ज़्यादा गिरावट हुई थी इस कोरोना के चलते, और शायद वही देखने मिला है आज, जिसकी वजह से आप देखिए बैंक निफ्टी जिसकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी वो थोड़ा बहुत चलना शुरू हो चुका है। चलिए ग्लोबल मार्केट पर नजर रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों तो वहीं से आएगा। भूपेंद्र जी सिल्वर पे पूछे, चले पहला सवाल है सिल्वर पे ही ले रहे थे। देखिए भूपेंद्र जी, अब ये सिल्वर विल्वर गोल्ड वोल्ड का है ना, आज रात को US मार्केट देखना वहाँ क्या होता है। अगर वहाँ से कोई क्यू मिलता है ना तो यहाँ से शायद गोल्ड और सिल्वर में आपको एक मुनाफा वसूली देखने मिलेगी, क्योंकि अब लोग कहीं ना कहीं सोचेंगे कि भाई हो गया, गोल्ड सिल्वर में क्यों रैली आ रही थी, क्योंकि ग्लोबली ये सिचुएशन थी, दवाई मिल नहीं रही थी तो इक्विटी से दूर जाना चाहते थे लोग, तो बेस्ट एसेट क्लास जो गोल्ड और सिल्वर बचे थे। अब अगर यू नो फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हो सकती है। मैं आपको लेवल्स नहीं बता सकता, मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा आपको कि भाई गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सतर्कता से अब ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि देर आर चांसेस कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता है। चलिए सौरभ धवन गोदरेज इंडस्ट्रीज़ पे व्यू पूछते हैं। देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज़ काउंटर अच्छा है नो डाउट, लेकिन गोदरेज ग्रुप का एक याद रखिए, ये साल दर साल जो आपको प्रॉफिट और इसमें सब में ग्रोथ है ना वो ये काउंटर्स काफ़ी अच्छा देते हैं नो डाउट। लेकिन स्टॉक वाइज अगर आप देखें ना तो उतना रिटर्न कमा के इन काउंटर्स में दिया नहीं है। अगर 52 हाई देखें तो 480 के आसपास है, फिलहाल 380 के आसपास ही काउंटर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं लेकिन पेशेंस भी बहुत बैठना पड़ेगा सर, उतना बैठने का आप में पेशेंट है तो ले लीजिए इस काउंटर को, कोई बुरा नहीं है। फंडामेंटली ग्रुप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एक प्रॉब्लम है कि अफ्रीका में इनका काफ़ी यू नो बड़ा एक्सपोजर है, एंड अफ्रीकन नेशंस में अगर प्रॉब्लम होती है तो इन कंपनीज को प्रॉब्लम हो सकती है, बट फंडामेंटली मुझे कंपनी अच्छी लगती है। गिरावट में मैं खरीदारी के मौके देखूंगा, टेक्निकली फिलहाल 400 रुपये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 375 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं।
और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो अपने जितना पैसा लगाना चाहते हो उसका 50% अभी लगाइए, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। बट मुझे ये काउंटर ख़राब नहीं लगता, हालांकि बहुत स्लो मूविंग है, ये आप याद रखें, इस काउंटर में ट्रेड करना तो धीरे धीरे चलेगा। ओके, टाटा स्टील पे चिंतन नाथानी पूछ रहे हैं और दीपक जिंदल इमामी पे पूछ रहे हैं, चलिए दोनों लेते हैं। चिंतन जी, सबसे पहले आपने टाटा स्टील में पूछा, तो देखिए स्टील कंपनियों ने बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिले, नो डाउट। मुझे याद है जब रियो टिंटो ने कहा कि भाई हम डिविडेंड ज़्यादा देंगे, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि आयरन ओर की जो ओवरऑल मूवमेंट है चाइना में काफ़ी अच्छा हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रही है, जो जितना सोचा था उतनी गिरावट नहीं हो रही है, तो इसके वजह से उन्होंने डिविडेंड अच्छा दिया था। और उसके बाद से देखिए अब कैसे लगातार खबरें आती हैं, यू नो साइकिल जब चेंज होता है ना तो ऐसे ही होता है। उसके बाद अचानक खबर आ गई, किसी मॉर्गन स्टैनली या जेपी मॉर्गन ने कह दिया कि मंथ ऑन मंथ जुलाई में 16% प्राइस बढ़ी है, किसी ने कह दिया प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं, कोई कह रहा है डिमांड जो है प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं। वेरी गुड, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थोड़ी ग्लोबली लिंक्ड कंपनीज रहती हैं, ग्लोबली लिंक्ड यू नो सेक्टर है, काफ़ी चल चुका है, इस पूरे महीने में 13-14% के आसपास का उछाल है। लेकिन अगर ये सही में साइकिल चेंज हो रही है ना तो ये 500 तक चला जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। नहीं हो रहा है तो यहाँ से थोड़े दिन बाद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। तो आप क्या कीजिएगा मालूम है, 400 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को स्टार्टिंग में 450 के लिए ट्रेड कीजिएगा, अगर मिला तो ठीक है, उसके आगे गया तो 500 रुपये के लिए ट्रेड, ये आपका ट्रेड होना चाहिए। अगर 400 के नीचे गया तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, कुछ प्रॉब्लम कुछ होने वाला नहीं। इंपोर्टर्स में दिक्कतें हैं नो डाउट, लेकिन क्योंकि अब वो हो रहा है ना कि दिक्कतें जितना सोचा था उतना नहीं है भैया, इसके थोड़ा अच्छा लग रहा है, मंथ ऑन मंथ थोड़ा सुधार भी हुआ है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं बोलूँगा अगर लोग बोलते हैं कि अप्रैल से जुलाई तक इंडिया स्टील में नेट एक्सपोर्टर है, दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर एक्सपोर्टर हैं तो याद रखिए JSW स्टील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इसको आप मत भूलना। तो और JSW स्टील में देख रहा था प्रोमोटर अपने प्रेशर गिरवी प्रेशर बचा भी रहे थे, निकलवा रहे थे, तो दैट वुड बी अ काउंटर टू वॉच आउट मेटल्स में JSW स्टील। दूसरा इमामी पे आपने पूछा, तो एक तो नतीजों के बाद और दूसरा अभी इस काउंटर में लगातार जो प्रेशर्स है वो कम होते जा रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर बन रहा है इस कंपनी के लिए। इसके लिए आप देख रहे हैं कि काउंटर लगातार चलते जा रहा है, मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग हैंड्स में काउंटर पहुंच रहा है। इसके लिए वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते थे, इसके लिए इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी जो है वो अब आपको देखने मिल रही है, लग सकते हैं, लेकिन एक रिस्की ट्रेड होगा। क्यों? मुझे FMCG पर से में कोई HUL, कोई मेरिको और डाबर, ये शायद मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं किसी इमामी से। नो डाउट फिलहाल चल रहा है, हो सकता है आगे भी चले, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरी प्रिफर्ड बेट HUL देन डाबर देन मेरिको होगा, बेटर देन इमामी। इमामी सिर्फ सस्ता है, बहुत दिन से गिरा हुआ है, इसके चल रहा है। मुझे थोड़ी बहुत न्यूज़ आ रही है कि भाई प्रेशर्स निकाले गए इसके और थोड़ा बहुत यू नो रिजल्ट ओके टोके थे, इसके चल रहा है। उससे ज़्यादा मुझे ये खास इतना पसंद नहीं है जितना बाकी काउंटर से। दीपक नाइट्रेट, जय राजपूत पूछे हैं दीपक नाइट्रेट में क्या करना चाहिए। दीपक नाइट्रेट के कुछ दिन पहले नतीजे भी आए थे मेरे ख्याल से, देखिए ये काउंटर में कहाँ में मुझे याद है 400 के आसपास था, तब से बोलते जाता था, अभी भी ये काउंटर में अच्छी खासी यू नो 577 के आसपास है। हालांकि इस वीक पूरे मंथ बोले अगर आप तो 10% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, तो काफ़ी चलने के बाद ये काउंटर जो है वो थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। मेरे ख्याल से स्पाइरल थोड़ा डाउनवर्ड है नो डाउट, मैं फंडामेंटल मुझे ये काउंटर काफ़ी पसंद है, उसमें कोई यू नो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना चलने के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा ही काउंटर जो है वो कूल ऑफ हो रहा है, कूल ऑफ होने दीजिए। 650 से कूल ऑफ होना चालू हुआ है, 577 तक पहुंचा है, आने दीजिए थोड़ा और आने दीजिए। मेरे ख्याल से इस काउंटर को आपको है ना 530 तक आने दीजिए, इस काउंटर को 530 तक आने दीजिए, वहाँ आता है तो फिर से ले लेना चाहिए मेरे काउंटर से आपको इस काउंटर को। और आप बहुत ही लंबे समय का सोच रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ही लगाना, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, तो गिरावट में खरीदारी के बेटर मौके होंगे इस काउंटर में, मैं आपको ये बोल सकता हूँ। समीर पाटिल अमृत अंजन पे पूछ रहे हैं 100 शेयर एट 443। तो देखिए मेरे ख्याल से अमृत अंजन जो है इस काउंटर को आवाज़ में काफ़ी बार रिकमेंड किया गया है, 443 पे आपको ये काउंटर मिल रहा है, आपने अगर लिया है 480 के आसपास एक काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इस काउंटर का जो
अगर आप देखें तो कहाँ तक गया था ये, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 52,555 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से अच्छा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, ठीक है ना। इस काउंटर में आगे भी उछाल आएगा, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि उछाल नहीं आएगा, बट थोड़ा कूल ऑफ होने के बाद आएगा। है पार्शल प्रॉफिट बुक कीजिएगा और रुकिएगा, फिर से 500 के ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लगता है। आज नहीं जाएगा, हो सकता है अगले कुछ दिनों में ना जाए, कुछ महीनों में जरूर जा सकता है, तो शायद आपके पास तभी प्रॉफिट बुकिंग के और भी बेटर मौके होंगे, तो ज़्यादा कमाई मिलेगा। इसके लिए कह रहा हूँ कि पार्शल प्रॉफिट बुक कीजिएगा, पूरा प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है ना। चलिए और ओके, तो अमृत आनंद का तो ये हो गया। ITC चंदेर शर्मा पूछे हैं 247, सर मेरा लेवल तो ये वापस 203 के ऊपर गया है, 200 के ऊपर काफ़ी लंबे समय बाद गया है, टिका है 247 पे ना, रुकिए, वेट है ना, इसके ऊपर टिक के अगर बंद हो गया ना 208 के ऊपर तो जा सकता है 220 तक। सर ऐसा नहीं है, लॉस में मत बेचना इस काउंटर को, डिविडेंड डील वैसे भी बहुत अच्छी है, लॉस में बेचने जाए काउंटर ये है नहीं। मेरे ख्याल से अभी भी होल्ड की सलाह दूंगा मैं, इन लेवल पे भी बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा, काउंटर अच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि सिगरेट का धंधा है, तो दैट्स अ डिफरेंट केस, डिफरेंट स्टोरी, वो समझाने में बैठूंगा नहीं अभी, लेकिन हाँ ये कह रहा हूँ कि काउंटर अच्छा है, इन लेवल पे मत बेचेगा, थोड़ा आने दीजिए ऊपर, फिर चाहिए तो आप बेच देना, क्योंकि मुझे समझ सकता हूँ 247 मतलब बहुत लंबे समय से आप यहाँ पे अटके होंगे, तो जब ऊपर आएगा तब हम बेचेंगे, इन लेवल पे तो बेचने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं, कल आपके साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, तो आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उसका जवाब देंगे, और सुबह हमारे साथ 7 बजे जुड़िएगा, तो आपको बताएंगे ग्लोबल क्यूज क्या है, इंडियन मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।